कोमटगिरी पर अभी तक क्यों नहीं बाउंड्री बनाई 50 साल से। अब जब दूसरे लोग घुस गए, दूसरे लोग चढ़ गए तो याद आ रही, अब निपटाइए, एकता बना करके किसी भी ढंग से उनको निपटाइए। इंदौर का समाज बहुत बड़ा है, ललितपुर में ऐसा एक कोई केस बना था, समाज एकजुट होकर सामने आया और उन्हें अपनी संपत्ति की सुरक्षा की। बुंदेला कहलाने वालों को भी पीछे हटना पड़ा। एकजुटता से काम हो सकता है, केवल नेतागिरी झाड़ने से कुछ नहीं होगा। सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुपर सैटरडे G20 की चल रही है बात, और आपके साथ सादर जयजीनेंद्र के साथ। इतने देशों के लोग हमारे देश में हैं, और वहां पर जैन समाज जो अल्पसंख्यक समाज है उसकी जमीनों पर तीर्थ पर कब्जे हो रहे हैं। बड़ी गजब की बात है, शोचनीय बात है, और आज वही लेकर आए हैं गोमटगिरी। तीर्थ की पहचान बताने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, पर आप पढ़ रहे हैं, हाँ, कलेक्टरेट के इंदौर के जो हैं उनके जमानती वारंट जारी हो गए हैं अदालत से। हम नहीं कह रहे, इस बार हम आपको जो जानकारी ला रहे हैं, हमने दोनों जगह की दोनों लीगल उनसे बात करी, उनसे कागज लिए कि कलेक्ट्रेट कोर्ट से आदेश के बाद भी चुप है, मतलब कुछ ना कुछ तो बात है। तो हमने वह कागज निकलवाए कि वो उसने किस तरीके से माफी मांगकर क्या उसने दलीलें दी अपनी, वह आज आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, और फिर इसके जवाब में हमारा क्या कहना है गवर्नमेंट के ट्रस्ट का, वह भी बताएंगे। देखकर आप जान पाएंगे कि जिसकी जमीन होती है उस पर कब्जे करने की कोशिशें कैसे होती हैं, और जमानती वारंट का वजूद और दस्तावेज क्या है। देखिए, इस पूरे केस में कुछ झोल बनाए हुए हैं, यानी यह तक कह दिया गया है कलेक्ट्रेट द्वारा कि यह जमीन अब जैन समाज यानी उस ट्रस्ट की है ही नहीं, भगवान बाहुली ट्रस्ट की है ही नहीं। उसने कागज ये सिद्ध कर दिए, कोर्ट में जमा कर दिए, और कहा कि दूसरी बात किस तरीके से कहा गया कि 2,75,00,000 की डिमांड निकाली 2022 में, जबकि पेमेंट 17 में ले चुके थे। बहुत कुछ दिखाएंगे आपको। तीसरी बात उन्होंने कही और दलील अपने से कि देवधर्म मंदिर के रास्ते में रास्ता रोक जाएगा अगर इन्होंने बाउंड्री बना ली, इसलिए तोड़ा जाता है, गेट नहीं लगाने देंगे, वो ये कहता है। आज आपको पहले हम बताते हैं जो हमने भगवान बाहुली ट्रस्ट के जो लड़ रहे हैं उनके लीगल एडवाइजर, क्योंकि इस बार हमने कानूनी पेज से बात करी ब्रजेश तिवारी से, कि वह कलेक्ट्रेट कहते हैं कि जमीन पे हमारा कब्जा आज की तारीख में नहीं है, नंबर एक। दूसरा, उनकी 2,75,00,000 की डिमांड आपने नहीं दी है। तीसरी बात आप करते हो कि उनके गेट या रास्ता बनाने की, उनको मंदिर में जाने का रास्ता रोक देते हो। इस पर क्या कहा ब्रजेश तिवारी ने, पहले वह सुनिए और फिर दिखाएंगे आपको जमानती वारंट और बहुत कुछ। रिप्लाई दी है कलेक्टर ने, हाँ हाँ, उसमें उसने 3-4 बातें पॉइंट किया। उसने तो कोई जमीन हमारी नहीं है, हाँ हाँ, तो उसके बारे में हमारा क्या कहना है? पहली बात, नहीं नहीं, जमीन हमारी नहीं है उनका, वो अपने को ये बताना चाह रहा है कि आपके न कागज देखे न कुछ देखे, उसने तो बता दिया कि ये जमीन हमारी नहीं है, जबकि लीज डीड रजिस्टर्ड लीज अपने पास है, और वो रजिस्टर्ड लीज डीड भी उनकी की हुई है, रिन्यू भी उन्हीं की हुई है। अभी रिन्यू कहाँ हुई होगी, रिन्यू करवाई नहीं आपने 2013 के बाद? आप उसमें देखेंगे 2013 के बाद 2015 में उन्होंने रिन्यू करके और उसको रजिस्टर करने के लिए भेजा है, हाँ, केवल उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। हाँ, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ अभी तक उसका, हाँ, बस रिन्यू तो कर दिया उन्होंने, वो पेनाल्टी जो मतलब उसमें जो 6 टाइम जो नेक्स्ट टर्म के लिए बढ़ाना रहता है, हाँ, वो उन्होंने गणना करके और वो सारे पेमेंट्स जो है वो अपने से चालान से के थ्रू ट्रेजरी में जमा करवा चुके हैं। आप पैसे जमा करा चुके हैं, बिल्कुल ठीक, हाँ, है बिल्कुल, और उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दिया कलेक्टर को कि इसको रजिस्टर्ड करने के लिए वो आईसी बनती है, कि वो राज्यपाल के बिहाफ पे जो कलेक्टर रहता है, लेकिन कलेक्टर तो जाता नहीं है रजिस्ट्री करने के लिए, तो ही अपॉइंटेड है ओआईसी, अच्छा, आप जो है मेरे बिहाफ पे ये इसको रजिस्टर्ड करवाएंगे। तो वो तो काफी टाइम हो गया हमारी जमा हुए, 22 में हम किया था जमा, 22 में किया, फिर हमने अब तक रजिस्टर्ड क्यों नहीं हुई, वही समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए तो हम पिटीशन के लिए गए थे। अब वो ये कह रहा है कि दूसरा जो आप वहाँ खंबे भरवा दिए मैंने, वो ACP ने, मैंने कुछ नहीं किया है, और रास्ता बनना था उनका रास्ते में रोक दिया, मतलब उसमें क्या कहना है हमारा? हमारा ये, हमारे रास्ते में से वो लोग रास्ता कैसे बना के लेंगे? वो हमारी बाउंड्री है, उस बाउंड्री को उस तरफ हमारा स्कूल है, स्कूल के बाद में हम बाउंड्री स्कूल
को अपना कवर करते हुए अपने मंदिर के जो कॉर्नर है वहां ले जाना चाह रहे हैं, और बाकी पूरी 75% बन गई। 2016-17 में जो है वो 2017 में वो एक बार जो है वो पूरे तत्कालीन जो एसडीओ थे उन्होंने पूरा मार्किंग करके पिलर्स लगवा के सारी कंप्लीट करवा दी। एज पर आप देखे होंगे, आपके पास मैप होगा एक, उस मैप में देखे होंगे तो उसमें बाउंड्री में उन्होंने खंबे उम्बे सब कॉलम वगैरह सब भरवा दिए थे, और उन्होंने रिपोर्ट की थी हाई कोर्ट को कि साहब ये अपनी जो भी काम कर रहे हैं ये अपनी सीमा के क्षेत्र के अंतर्गत ही कर रहे हैं, वो लिखा हुआ उसमें आ रहा है, ठीक है। तो ये हाई कोर्ट में उनके मतलब रिकॉर्डेड हैं, और ये जो मैप आप दिखा रहे हैं ना ये मैप भी उन्होंने कोर्ट को ये लिख के दिया कि मैं सैटेलाइट मैप के थ्रू जो है पूरी जांच करवाया हूँ, वो जो गूगल मैप दिया उन्होंने, हाँ, और टीम गठित करके वो मतलब पूरे जिले की टीम होती है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, उनका गठन करके और पूरे मतलब क्षेत्र का मैंने बॉर्डर एक एक इंच चेक करवाया है। पर ये कैसे कर रहे हैं कलेक्टर के दोनों पार्टी के नाम लिख के भेज रहे हैं कि ये जगह इनकी नहीं है? हाँ, बस वो केवल ये 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 लिखना चाह रहे हैं। उसने लिखा क्यों है उसने कलेक्टर ने कि ये जगह इनकी नहीं है, ये नंबर वही इंटेंशन वही है ना इनका। और अब वह जमानती वारंट कलेक्ट्रेट को जो माननीय हाई कोर्ट मध्य प्रदेश ने जारी किया, माननीय जज प्रणय वर्मा जी द्वारा 21 फरवरी 2023 जो आप देख रहे हैं, इसमें अगली डेट थी 15 मार्च 2023, पर जब से अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है और इस कारण से वह जमानती वारंट आज भी चल रहा है। ये पता है किस केस में का था? जो उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया था उस पर जब फाइल की गई केस के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बाद तुरंत यह जमानती वारंट अदालत में ना आने पर यह जारी हुआ है कलेक्ट्रेट इंदौर पर। हाई कोर्ट मध्य प्रदेश ने यह देखिए 514 केस में जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, फाइल किया भी उसके बाद, तो आदेश की अदालत ने कि 2 दिन के अंदर यह कागज प्रस्तुत किया जाए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, आदेश का जवाब 2 दिन में जमा किया जाए। और फिर यह जवाब आया एसडीएम हथौद ने कलेक्टर सहित तीनों पार्टियों की ओर से यह जवाब दाखिल किया जो हम आपके लिए एक्सक्लूसिव रूप से दिखा रहे हैं, और इससे आपको पता चलेगा कि पानी में गहराई कितनी है, सच्चाई झूठ कितना है। जब इसको हमने पढ़ा और बात की हमने उनके लीगल एडवाइजर से, तो उन्होंने साफ कहा इस दावे में बहुत कुछ गलत और झूठ और भ्रांति वाली बातें कही हैं जिसका निर्णय अदालत करेगी क्योंकि सारे दस्तावेज अदालत के पास है। अब हम आपको 6 कर्मबिंदु से उसके बारे में समझाते हैं जो इन्होंने दावे किए कि हमारी जमीन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब वह देखते हैं कलेक्टर आदि की ओर से दिए गए इस जवाब में स्पष्ट कह दिया। पहली बात जो 2.27 एकड़ की जगह है, पहले उसके बारे में बात करते हैं कि यह इनका मालिकाना हिस्सा ही नहीं है, जबकि वह नीचे यह भी लिखते हैं कि 18 जुलाई 2022 को माननीय अदालत ने उन्हें रजिस्टर्ड करने का आदेश दिया, पर जवाब में लिखते हैं कि यह इनके अधिपत्य यानी यह उसके मालिक ही नहीं है। क्या गजब की बात है। और इस जवाब में पता क्या बात की गई खास बात कि जो इनकी जगह के बारे में था 6 मार्च 2023 को इनका दावा निरस्त कर दिया गया है, और उसके बाद हमारे इस बात के आदेश के बाद ट्रस्ट की ओर से कोई भी अपील अब तक नहीं की गई। इसका मतलब उन्हें मान्य है, जबकि उन्होंने कहा कि इसकी अपील हम कर चुके हैं। अब आती है बात 53.11 एकड़ की जगह के बारे में। इसमें क्या कहते हैं 28 दिसंबर 1983 को हाँ लीज हुई थी, ये मानते हैं 30 साल की हुई थी, ये मानते हैं, कहते हैं वह तो 2013 में ही खत्म हो गई है इसलिए उस पर भी इनका अधिकार नहीं है। यह जवाब अदालत में जमा किया है। सबसे गजब की बात अब जानने वाली बात है जो आप देखेंगे। उन्होंने कहा कि हमने डिमांड ना 11 नवंबर 2022 को करी थी कि आप पैसे जमा करो। कितनी डिमांड थी पता है? इसमें 2,75,00,000 रुपए। कैसी कैलकुलेशन किया कुछ मतलब नहीं है, जबकि हकीकत में कहानी कुछ और है, जो कहना है भगवान बाहुबली ट्रस्ट के द्वारा। भगवान बाहुबली ट्रस्ट की ओर से जानकारी मिली कि उन्होंने इस 11 नवंबर के जवाब में 28 नवंबर को अदालत पहुंच गए, और ये देख रहे हैं आप 5 दिसंबर 2022 को यह आदेश अदालत ने उसके आदेश पर स्टे जारी कर दिया। कारण था कि कहते हैं 2017 के अंदर ही हम 2041 तक ही जब उन्होंने जो मांगी थी जगह फीस वह हम 2041 तक की जमा कर चुके हैं,
और 2022 में उन्होंने 2 करोड़ 75 लाख की अलग कैलकुलेशन करके एक और जानबूझ के जिससे ना हो निरस्त करने की क्या कोई साजिश थी है? एंकर 10। अब आती है असली बात, कहां है पेज फंसा हुआ? देख रहे हैं आप चौथे क्रमांक में क्या लिखा गया, भाई ये जो जगह है इनकी ना, यहां से ऊपर वाले देवधर्म मंदिर का रास्ता जाता है, ये रास्ते का है, ये जगह है इनकी नहीं है। क्या बात है, और हकीकत में जगह अपनी है क्या है, यही तो खास बात है कि हमारी जमीन से उनका रास्ता बनाया जाता है। इस बारे में चैनल महालक्ष्मी ने ट्रस्ट के लीगल एडवाइजर से बात करी, ब्रजेश तिवारी से, भाई इस पर आप क्या कह रहे हैं, तो बात कह रही है वाली बात है। तो उन्होंने कहा यह विवाद ना पहले नहीं था, 2014-15 में इस विवाद की शुरुआत हुई और तब अदालत ने क्रिया सीधा आदेश दिया था SDO को कि आप जांच करो यह जगह जो है एंक्रोचमेंट कर रखी है इसने क्या ट्रस्ट ने, या क्या हकीकत है, दीवार बनाना चाहते हैं, दीवार बननी चाहिए नहीं, दीवार में कुछ होना चाहिए, क्या यह एंक्रोचमेंट कब्जा तो नहीं किया गया इस ट्रस्ट ने, इस बारे में अदालत ने SDO को आदेश दिया था और उसने रिपोर्ट भी जमा की थी, कोई अतिक्रमण नहीं है अपनी जगह पर, उसका प्रमाण भी आपको अभी देते हैं। क्रमांक 5 में और स्पष्टीकरण कर दिया कि अगर इन्होंने बाउंड्री वाल बना ली तो देव धर्म का मंदिर का रास्ता रुक जाएगा। हमें कमेटी ने बताया उन ट्रस्ट ने कि पहले रास्ता पीछे की जाना था, वह जानबूझ के जैसे रास्ता बना रहे हैं, पहले कोई विवाद नहीं था, 2014-15 में इसकी शुरुआत हुई और अब कलेक्टर उनका साथ दे रहे हैं। अब पहले प्रमाण की बात करते हैं। हाँ, इसी देव धर्म मंदिर की बात हो रही है, रास्ता गोमटगिरी से निकालने की बात हो रही है कि जब भी जगह हमें दे दो, डायरेक्ट नहीं कहा है, कह दिया एंक्रोचमेंट है, जगह नहीं है, और यही की बात की कहानी होती है। इसके लिए अदालत ने SDO को आदेश दिया था और कि बाकायदा जांच करो जो हमने आपसे कहा था, और फिर जांच की रिपोर्ट SDO ने 21 मार्च 2017 को यह जमा करी जो आप देख रहे हैं, यह उसका पहला पेज, कोर्ट में क्लियर जमा की कितना कब्जा जैन समाज का ट्रस्ट कर रहा है, कितना एंक्रोचमेंट कर रहा है, कितना अपनी जमीन पर निभा रहा है, इसकी रिपोर्ट बाकायदा उन्होंने दी। इस रिपोर्ट के दूसरे पन्ने पर साफ लिखा हुआ देख रहे हैं आप, भगवान बाहुबली ट्रस्ट ने अपनी जमीन के अलावा कुछ भी अतिक्रमण नहीं किया है, स्पष्ट लिखा है, यह आपको दिख रहा है दावे प्रतिवादे की बात में, बहुत मजबूत डॉक्यूमेंट है, सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट ये है जो इस समय 2017 का है, जो बाउंड्री वाल बन रही है वह ट्रस्ट अपनी ही जमीन पर बना रहा है, जो गेट पर शटर लग रहा है वह भी अपनी जमीन पर बना रहा है, और कलेक्टर कहते हैं कि वह जगह इनकी नहीं है, वह रास्ता में एंक्रोचमेंट किया है, सारे इस मजबूत SDO ने पूरे सैटेलाइट का मैप जो हमने दिखाया था ना पहले आपको, उसी मैप से पूरा देकर अदालत में सारे के सारे डॉक्यूमेंट अच्छी तरह जांच कर यह प्रस्तुत किए, और यह सबसे बड़ा एक दस्तावेज जैन समाज के ट्रस्ट का है। इसमें देखिए क्रमांक 6 में क्या क्या लिखा है, माफी मांगी गई है अदालत से, अपोलॉजी मांगी गई है कि हमने कोई आपका अवमानना नहीं की, जबकि जानते हैं कोर्ट के आदेश की लगातार अवमानना होती रही है, होती जा रही है, और यहाँ कहते हैं हमने अदालत की कोई अवमानना नहीं की क्योंकि जगह इनकी नहीं है, रास्ता नहीं दे रहे हैं, शटर लगा रहे हैं, गलत लगा रहे हैं, इसलिए हमने अदालत की अवमानना नहीं की, यह 6 पॉइंट में लिखा। यह पक्ष था, एफिडेविट जो इनकी तरफ जमा हुआ, सरकारी पक्ष कह सकते हैं आप, कलेक्टर की ओर से, SDM की ओर से, सबकी ओर से जो दिखाया आपको, यह पक्ष हमने आपको एक्सक्लूसिव दिखाया, साथ में हमने इसके एक एक बिंदु पर बात करके दिखाया लीगल एडवाइजर ब्रजेश तिवारी से। पर हाँ, अब जो बात कर रहे हैं दूसरा पक्ष था कलेक्टर इंदौर, ये देख रहे हैं आप, हमने इनको 1, 2, 3, 4, 10, 12 कई फोन कर डाले, लैंडलाइन में जो बात करते हैं वो कहते हैं इस नंबर को मोबाइल है आप इस पर बात कीजिए, लैंडलाइन से बात नहीं होगी, और लगातार फोन पर घंटी बज रही है, पर इन्होंने नहीं उठाया, इसलिए इंदौर कलेक्टर की ओर से हम उनका पक्ष आपको नहीं बता सके हैं, पर उन्होंने जो जमा किया गया वह हमने आपको साफ दिखा दिया, उसे पढ़ दिखा दी, वास्तव में जगह किसकी है ये आपको पता चलेगा, किस जगह पर शटर बनाना चाहते हैं, बाउंड्री बनाते हैं, वह भी 75% बाउंड्री वाल बन चुकी है, बाकी को जानबूझ के कब्जा करने की नीयत से क्या रोका जा रहा है, चिंतन आप कीजिए, मिलकर आवाज़ उठाइए, तभी कहीं कुछ सफलता मिल पाएगी। सादर जय जिनेंद्र।